कश्मीर को रेल कनेक्टिविटी से जोड़ने के लिए भारत सरकार एक प्रोजेक्ट पे तेजी से काम कर रही है, जिसका नाम है उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लाइन। 272 किलोमीटर की ये रेल लाइन, उसमें से 161 किलोमीटर पहले से कंप्लीट हो चुका है। अब बसी है कटरा टू बनिहाल 111 किलोमीटर की लाइन, जिसके ऊपर काम किया जा रहा है। आज हम बात करेंगे कटरा बनिहाल सेक्शन के बीच में बन रहा दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज के पास में सलाल रेलवे स्टेशन की क्या प्रोग्रेस है, उसके ऊपर आपको लेके चलेंगे, दिखाएंगे कि कितने पास में ये रेलवे स्टेशन बनाया जा रहा है और इसके ऊपर अभी क्या क्या काम हुआ है। नमस्कार, मेरा नाम है रजत और आप देख रहे हैं आरजे प्रोडक्शन। यहाँ देख लीजिए, ये डबल ट्रैक होगा, यहाँ पे एक मेन लाइन और दूसरी लूप लाइन। देखिए कितने बड़े बड़े गर्डर्स जिनके ऊपर अभी कंक्रीट हो चुके हैं। अब जो नेक्स्ट काम होगा, इसके ऊपर पटरी बिछने का काम किया जाएगा। और साथ में आपको बता दूं मैं कि इसके साथ में आसपास का एक व्यू देख लीजिए, कितना शानदार व्यू आता है। और साथ में जो आप इस समय पहाड़ देख रहे हैं सामने, इस पे स्नोफॉल भी होती है। और साथ में आपको बता दूं कि इसके ऊपर जो अभी काम किया जा रहा है, साइड में जो केबल्स डक रहते हैं उनके ऊपर उनका काम किया जा रहा है, उनका बनना तेजी से बनाया जा रहा है। और साथ साथ में जो पीछे की तरफ T5 टनल की तरफ बात करें तो वहां पे भी जो लेवलिंग का काम अभी किया जा रहा है। किस प्रकार से इसके ऊपर अभी काम किया जा रहा है आपके सामने है। और आपको बता दूं कि दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे ब्रिज के ऊपर रिसेंटली जो अभी काम किया जा रहा है वो किया जा रहा है ट्रैक बिछने का, उसकी वीडियो भी हम आपको जल्द दिखाएंगे कि किस प्रकार से उसके ऊपर काम किया जा रहा है। इस समय जो आप देख रहे हैं ये है कटरा बनिहाल सेक्शन के बीच में। कटरा साइड से अगर बात करें तो सेकेंड रेलवे स्टेशन जो सलाल, जिसका नाम रखा गया है, और ये अंजीघाट ब्रिज और दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे ब्रिज चिनाब ब्रिज के मिड में आता है। ये रेलवे स्टेशन एक अनोखा रेलवे स्टेशन होगा क्योंकि ये पहाड़ों के बीच में, और पूरा का पूरा हिस्सा इसका जो मैक्सिमम हिस्सा होगा वो पुल के ऊपर रहेगा। यहाँ देख लीजिए, इस साइड से आपको सामने अगर केबल क्रेन दिख रही हो तो आप खुद समझ सकते हैं कि कितने पास में ये रेलवे स्टेशन बनाया गया है दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे ब्रिज के। अगर आने वाले समय में हम आपको जैसे ही कुछ नया अपडेट आएगा इसके ऊपर, तो कि पटरी बिछने का काम स्टार्ट होगा वो भी दिखाने का प्रयास करेंगे। आसपास का एक बार फिर से आपको व्यू दिखा लेते हैं कि कितना सुहावना वेदर रहता है यहाँ पे। जब आप यहाँ पे कटरा बनिहाल सेक्शन के बीच में जर्नी ट्रेन की जर्नी करेंगे तो आप खुद समझ सकते हैं, यहाँ पे आपको अगर मौका मिलेगा 5 मिनट खड़े होने का भी आप एक अच्छी वाइब आएगी। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे अभी सेगमेंट लगाए जा रहे हैं। यहाँ पे देख लीजिए कितने मोटे मोटे स्टील्स के जो सरिये हैं वो लगाए जा रहे हैं। कितनी मजबूत फाउंडेशन एक तैयार की जा रही है सलाल रेलवे स्टेशन की। आपको मैं बता दूं कि ये लगभग कटरा से इसकी जो लेंथ है इस रेलवे स्टेशन की, अगर आप बार बाय रोड आते हैं इसे देखने के लिए दुनिया के सबसे ऊंचे, लगभग 52 किलोमीटर के आसपास आप आके यहाँ पे सलाल रेलवे स्टेशन को भी देख सकते हैं और दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे ब्रिज को भी देख सकते हैं। अगर आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बोलेंगे कि कटरा रेलवे स्टेशन से लेके बक्कल एंड तक पूरी रोड जर्नी करवाओ, बताओ कि कितना टाइम लगेगा कटरा रेलवे स्टेशन से लेके दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे ब्रिज के पास अगर आना होगा, तो मैं वो भी दिखाने के लिए आपको इच्छुक हूँ। अगर आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस समय आप थोड़ा थोड़ा देख लीजिए आसपास का व्यू, और साथ साथ में हम जैसे जैसे आगे के बढ़ते जा रहे हैं, और देख लीजिए कितना एक लंबा ट्रैक बनाया गया, लगभग 800 मीटर का ये पुल है, जिसे 42-43 पुल भी बोल सकते हैं। इसके ऊपर ही पूरा का पूरा जो सलाल रेलवे स्टेशन है वो है। इस समय आप तस्वीरें आपके सामने हैं, जो ये दूर से हमने दृश्य दिखाने का प्रयास किया है कि कितना ये पूरा का पूरा जो रेलवे स्टेशन है सलाल, ये पुल के ऊपर आता है। मैक्सिमम हिस्सा इसके पुल के ऊपर आता है। नीचे जो अभी आपको कॉलोनी दिख रही है, ये कॉलोनी अफगान की तरफ से बनाई गई है, ये डिसमेंटल कर दी जाएगी बाद में। दूर से दृश्य, ये रियासी डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है बक्कल स्टेशन। बक्कल एंड में जो दुनिया के सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज का एंड है वहाँ पे है इसका, जिसका नाम सलाल क्यों रखा गया इसके बारे में हम नहीं बोल सकते, बट इसका नाम तो बक्कल रखना चाहिए था हम जब हाँ तक हम बोल सकते हैं, क्योंकि ये बक्कल एरिया पूरे विलेज है जो बक्कल है। सलाल इससे बहुत दूरी पे है, अगर रखा गया तो सलाल कुछ ना कुछ सोच के रखा होगा। यहाँ पे देख लीजिए केबल क्रेन सामने आपको दिख रही है, बिल्कुल यहाँ पे ये ख़त्म होगा रेलवे स्टेशन, बिल्कुल उसके पास में ही दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज का एंड है।